हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में न्यूज़ लेके आए हैं। एक्चुअली क्या है कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम डेट और ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट चेंज हो चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए अच्छी बात है। अभी ये सब लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाए हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है या फिर अच्छा सा कोई फ़ोन नहीं, वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए। और साइबर कैफ़े भी नहीं खुल रहे हैं, तो इसके लिए डेट एक्सटेंड किया गया है। तो आइए हम देखते हैं डेट, न्यू डेट क्या है। तो सबसे पहले हम बिहार पॉलिटेक्निक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसको खोलेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट उसका क्या है, bcebord.bihar.government.in, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको फ्रंट पेज खुल के आएगा। फिर इसमें आप DCC पे जाके क्लिक करना होगा, फिर आपका पॉलिटेक्निक आएगा। क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना, ये पूरे बिहार गवर्नमेंट का जितना भी प्रवेश परीक्षा होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उस सब के लिए है, एक ही वेबसाइट है। तो इसमें अलग अलग, यहाँ पे देखिए, बनाए हैं हमें कॉलम अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें हमने पॉलिटेक्निक वाला चूज कर लिया है। अभी इसमें देखिए, इसका जो एडवर्टीजमेंट आया है अभी करंट का है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे देखिए, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन इन डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप का PDF खोल के आएगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। तो आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो वही दिया गया है कि कोरोना की वजह से डेट एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो अभी डेट एक्सटेंड होने के बाद क्या डेट रखी गई है। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट है वो है 10 मई तक ऑनलाइन अप्लीकेशन आप कर सकते हैं, 11:59 तक, रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 10 तारीख तक, ठीक है। ये तो केवल रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। अब फीस पेमेंट कब तक कर सकते हैं, अगर कोई बैंक के थ्रू फीस पेमेंट करता है, मतलब कि चालान को प्रिंट लेके फिर बैंक जाके उसको अगर फी पेमेंट करना है, तो 11:05 तक फी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है, जैसे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ठीक, ऑनलाइन अगर जो पेमेंट करना चाहता है तो 12:05 तक पेमेंट कर सकता है। और अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, अप्लाई करने में कुछ गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, तो उसको करेक्ट करने का जो डेट दिया गया है 13:05 से 16:05 के बीच में आपको करेक्ट कर लेना है। और अभी तक एडमिट कार्ड का कोई डेट नहीं आया और एग्ज़ाम का भी कोई डेट नहीं आया, वो जल्द ही डेट आ जाएंगे, क्योंकि अभी 3 मई नज़दीक आने वाला है, उसके बाद सब कुछ डिसाइड हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि 3 मई के बाद क्या है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस का प्रकोप कम है, वहाँ पर थोड़ी सी छूट दी जाएगी। तो आप 3 मई तक का वेट करिए, तब तक कोई न्यू नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप एक बार डेट अच्छे से याद कर लीजिए कि 10:05 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका लास्ट डेट है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको भी अभी प्रिपरेशन करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एंट्रेंस के लिए, तो मैं क्लासे ले रहा हूँ अभी फिजिक्स का, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ फिजिक्स का, इंपॉर्टेंट वो सॉल्व पेपर से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। IERT और UP पॉलिटेक्निक का जो सॉल्व पेपर है ना, वहाँ से मैं वो क्वेश्चन लेके बताता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं, मैं वो क्लास लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।